हेलो गाइस, आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट एकदम लो एंड लैपटॉप पे, जिसका मैक्स रेंडर डिस्टेंस है 16 चंक्स, जो कि एक अच्छे पीसी का सबसे कम होता है। अब आप पूछोगे कि इस लैपटॉप पे क्यों खेल रहा है, तो भाई मेरे पास यही लैपटॉप है। और अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छे लैपटॉप पर खेलना चाहिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बस फ्री होता है यार, कर देना भाई प्लीज़। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस, वर्ल्ड बन चुका है और सबसे पहला काम है फटाफट से कुछ शिप्स को मारना और कुछ वुड इकट्ठा करना, ताकि हमें अपने लिए एक बेड बना सके। बनानी चाहिए। फटाफट से सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं और अभी चलते हैं एक छोटी सी स्टोर रूम बनाने के लिए। जिसमें हम बेड लगा सके, क्राफ्टिंग टेबल बना सके और कुछ टूल्स बना लेते हैं फटाफट से। अभी जो भी सारे सीड्स हमने कलेक्ट किए उसे हम अभी लगा देते हैं, ताकि कल तक हमें वीट मिल जाएगा उसमें से। अभी रात होने वाली है, इससे पहले कि मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाए मैं जाके सो जाता हूँ। और ये हमारा पहला दिन था। नेक्स्ट डे मैं चेस्ट बना के उसमें सारा इम्पोर्टेंट सामान रख देता हूँ। और कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए मैं पास वाली गुफा में चला जाता हूँ। और अभी देखो, अभी मैं माइनक्राफ्ट में केव माइनिंग प्रिफर नहीं करता, और इस लैपटॉप पे तो कभी नहीं। पर कुछ स्टोन्स लेने के लिए मैं गुफा में चला जाता हूँ। और सामने स्पाइडर था, भागो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मत मारना भाई। ओ, बच गया। अभी मैं फाइट नहीं कर सकता भाई, अब मैं वापस नहीं जा रहा गुफा में। अब खुद बना लूँगा पर वापस गुफा में नहीं जाऊँगा। तो मैंने अपनी गुफा बनानी स्टार्ट कर ली है। काफी नीचे जाने के बाद मुझे मिला कोल। कोल कलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ टॉर्चेस बनाई और बाकी पूरा दिन माइनिंग करने के बाद मैंने ली सुकून की नींद और दूसरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन आयरन माइनिंग करके मैंने आयरन लगा दिया फर्नेस पे। और जैसे ही मैं बाहर निकला, ये जलता ज़ॉम्बी मेरे सामने आया। उसे फटाफट मार के मैंने अपना आयरन टूल्स बना लिया, शील्ड भी बना ली, और चलो फिर से माइनिंग करने। बाकी मुझे y=11 कोऑर्डिनेट तक नीचे जाना था। लोग सीधा जाते हैं, पर मैं अभी वैसे मुझे y=11 कोऑर्डिनेट पे नीचे जाना है। लोग सीधा नीचे जाते हैं, पर मैं स्टेप्स बना के नीचे जाना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वापस ऊपर आने में फ़ायदा होता है।
काफ़ी माइनिंग करने के बाद मुझे लैपिस मिल जाता है। ये लैपिस लिटरली मुझे बहुत जगह काम आएगा इंचेंटमेंट के लिए। मैं फटाफट से उसे कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे चलता हूँ। कुछ और नीचे जाने के बाद मैं बेडरॉक पे आ जाता हूँ। फिर कोऑर्डिनेट्स चेक करने के बाद पता चलता है कि y=5 पे आ गया मैं। वाह भाई, कोऑर्डिनेट्स चेक करने के बाद पता चलता है कि मैं y=5 पे आ चुका हूँ और मुझे y=11 पे वापस जाना है। तो मैं वापस y=11 पे चला जाता हूँ और फटाफट से हॉरिजॉन्टल माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। y=11 पे माइनिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं, हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है और डायमंड्स मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फटाफट से रेडस्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ आयरन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आर्मर चाहिए। और गाइस, इस माइनिंग के बाद हम चलेंगे विलेज ढूंढने। और विलेज ढूंढने की मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, वो आपको खुद जल्दी दिख जाएगा। और थोड़ी बहुत अंधेरे में माइनिंग करने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट डायमंड। बड़ा अच्छा लगा। फटाफट से तो हमें 6 डायमंड्स मिले और फटाफट से आयरन फर्नेस पे आयरन डाल देते हैं। और आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। अगले दिन मुझे एक स्पाइडर दिखा जिसे सोचा चलो मार देते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे। बाकी पूरा दिन मैंने माइनिंग की क्योंकि मुझे काफ़ी आयरन चाहिए था आर्मर बनाने के लिए। और पूरे दिन की मेहनत के बाद हमारा ये भी दिन ख़त्म हुआ। अगले दिन जब मैं बाहर निकला मुझे दिखा स्केलेटन और मेरे पास शील्ड थी तो मैंने कर दिया उस पर हमला। कुछ दो स्केलेटन्स मारने के बाद मैंने अपना लगाया हुआ विट्स इकट्ठा किया। और बाकी सीड्स लगाने के बाद अब मैं वापस आ ही रहा था कि एक और स्केलेटन ने मेरे पे हमला कर दिया और बेचारा खुद ही जल के राख हो गया। फिर मैंने फटाफट से कंपास बना लिया, अपने लिए आर्मर बना लिए और मैं रेडी था विलेज ढूंढने के लिए। पर अभी रात हो चुकी है, सोना चाहिए क्योंकि अगले दिन काफ़ी काम करना है।
विलेज ढूंढने की जर्नी पे निकलने से पहले हमने अपनी सेटिंग सही कर ली और रेंडर डिस्टेंस 8 चंक्स कर लिया। और चलते हैं आगे। काफ़ी चलने के बाद मैंने अब सोच लिया कि अपनी विलेज ढूंढने की ट्रिक इस्तेमाल की जाए। मैंने फटाफट से FOV कम कर लिया और रेंडर डिस्टेंस 16 चंक्स कर लिया। अब इससे हमारा लैपटॉप पूरा गर्म हो जाना था पर विलेज ढूंढने की कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब लो एंड लैपटॉप्स का एक फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन रेंडर होने से पहले जानवर और विलेजर से रेंडर होते हैं, तो ऐसा करके हमें जल्दी से ज़मीन के आर पार देखकर विलेज ढूंढ लेंगे। ये देखो गाइस, ज़मीन लोड नहीं हुई पर जानवर हो चुके हैं और मेरा लैपटॉप अब हैंग मारना चालू हो चुका है। ऐसे ही हमें विलेज दिखेंगे गाइस। ओह, मिल गया विलेज, मिल गया भाई, ट्रिक काम कर गई। ये देखो गाइस, विलेजर्स और विलेज भी यही होगा। भाई कितना लोड हो रहा है यार, अभी रात होने वाली है, रात होने से पहले चलते हैं विलेज में, वही आज की रात सोएंगे। कितना लोड हो रहा है यार ये भाई, ये आगे ही नहीं जा पा रहा, क्या लैपटॉप है भाई। तो मैं पहुंच गया विलेज में, अभी कहीं से तो बेड तक पहुंचा देना रे लैपटॉप, रे क्या ब्लास्ट हो जाएगा क्या। तो भाई पहुंच गया गाइज, और ये रहा हमारा एक और दिन, हमें विलेज मिल गया है। अगले दिन मैंने पूरा विलेज लूट लिया और लूटा हुआ सामान एक चेस्ट में रख दिया क्योंकि हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे पहले वाले घर पे। बाकी बचा हुआ सामान हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। सामान रखने के बाद अभी चलते हैं। तो गाइज कैसे तो लोड होते हुए पहुंच गया घर, ज़रूरी सामान सब कलेक्ट कर लिया और चला वापस में विलेज की तरफ। अब मुझे उस विलेज का रास्ता पता नहीं था। याद नहीं रहा। अब मैं ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए चला। काफ़ी आगे आने के बाद अब मुझे पक्का पता चला कि मैं रास्ता भूल चुका।
दिखाओ। ऐसे ही आगे चलते चलते मुझे एक विलेज दिखा। ओ भाई, इतना सुकून, मेरा विलेज मिल गया। मैं भागा उस विलेज की तरफ, कैसे तो लोड होते हुए। और जिस बिल्डिंग में मैंने अपना सामान रखा था उसमें जाके देखा तो मेरा बेड और मेरा चेस्ट था ही नहीं उधर। ओ भाई, ये दूसरा विलेज था क्या यार? पोपट हो गया, बहुत बड़ा पोपट हो गया। चलो कुछ नहीं, आज इसी लॉस्ट विलेज में सो जाते हैं, कल देख लेंगे क्या होता है। तो गाइज, आज का एपिसोड यही ख़त्म करते। इतना बड़ा पॉपअप होने के बाद मुझे नहीं लगता अब मैं इससे आगे जा पाऊँगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना प्लीज़, और मुझे मोटिवेट कर देना सब्सक्राइब करके। थैंक्स।